गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 6 न्यू टॉपिक देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमने प्रीवियस डे एक्सरसाइज नंबर 5 देखी थी, इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करना था। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अ पर्सन और द थिंग दैट इज इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो किसी पर्सन और थिंग के एक्शन से अफेक्ट होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड कम्स आफ्टर द वर्ब। जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट किसके बाद में आता है, वर्ब के बाद में आता है। द ऑब्जेक्ट इन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैन बी टर्न इन टू सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो किससे इफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस होता है। आप जो सेंटेंस में पर्सन है, थिंक है, उसके एक्शन से अफेक्ट होता है। और आपका ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और ये क्या होता है, वर्ब के हमेशा बाद में आता है। चलिए देखते हैं पेज नंबर 7। रीड दी सेंटेंसेस। पहला दिया है द सर्वेंट ओपन्स द डोर। तो द सर्वेंट ओपन्स द डोर, द डोर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आता। ओपन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ओपन्स द डोर। और यहाँ पे क्या हो, सर्वेंट, सर्वेंट पर्सन है, उसका एक्शन क्या है, वो डोर ओपन कर रहा है, ओपन कर रहा है क्या, डोर। अमित कडल द डॉग। जो अमित है वो डॉग को क्या कर रहा है, कडल। कडल यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। और अमित यहाँ पे पर्सन है, वो कुछ एक्शन कर रहा है जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। हियर द डोर एंड द डॉग आर द ऑब्जेक्ट्स। अब आपको कॉम्प्लीमेंट बताया गया है। अ कॉम्प्लीमेंट इज जनरली अ नाउन और एन एडजेक्टिव। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो जनरली क्या होता है, नाउन होता है या एडजेक्टिव होगा। एंड इट कम्स आफ्टर वर्ब। और ये कैसे वर्ब्स के बाद में आता है, जैसे लाइक, इज, एम, आर, वॉज, वर, has, have, seen, appear, become, look, etc. ये इन ऐसे टाइप के वर्ब्स के बाद में जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी, स्टेट और द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। ये क्या एक्सप्रेस करते हैं कॉम्प्लीमेंट, कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताते हैं, स्टेट बताते हैं या आइडेंटिटी बताते हैं। Without a compliment, a sentence remains incomplete. तो वही बताया जा रहा है कि compliment अगर sentence में नहीं है तो sentence complete नहीं माना जाता है। The compliment cannot become the subject of a sentence in the passive voice. और जो compliment होता है वो कभी भी passive में जब हम convert करते हैं तो subject नहीं बनता है sentence का। लेकिन हमने object के case में पढ़ा था कि object क्या हो जाता है, subject बन जाता है passive के case में। He is a cheat. Is a के बाद में क्या था, cheat। तो cheat यहाँ पे क्या है, compliment है। और cheat क्या है, एक तरीके से adjective है। She looks sad. Looks के बाद में क्या था, sad। और sad क्या है, एक तरीके से adjective है। They are happy. They are के बाद आ रहा है happy। तो happy क्या है, ये भी adjective है, आपका emotion show कर रहा है। In the above sentence, the word in italic are compliment. तो वही हो गया, cheat, sad, happy. They express the quality or identity or the condition of the subject. तो वही बताया जा रहा है, conditions बताया जा रहा है। Without them, the sentence are incomplete. अगर हम इसको use नहीं करते, he is a, क्या, she looks, incomplete, they are. तो वही बोला जा रहा है कि sentence इनके बिना क्या है, incomplete रहते। In the same way, a compliment may also express the quality or identity of an object. कभी कभार object की quality या identity express करते हैं, जैसे she made me angry. उसने क्या किया, मुझे गुस्सा दिला दिया, made me angry. तो angry यहाँ पे क्या है, compliment है। और me क्या है, यहाँ पे object है। she he called him a fool.
हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, अ फूल यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट है. द वर्ड्स एंग्री एंड फूल आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मी एंड हिम. विथाउट दीज वर्ड्स द सेंटेंस आर इनकम्प्लीट. तो वही बताया जा रहा है, अगर हम यहाँ पे एंग्री और फूल नहीं यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स तो सेंटेंस क्या होगा इनकम्प्लीट. जैसे ही मेड मी इनकम्प्लीट, ही कॉल्ड हिम इनकम्प्लीट, सेंटेंस कम्प्लीट नहीं होंगे. अब हम इसके एक्सरसाइज में आ जाते हैं, पेज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 6. सर्कल द ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द कॉम्प्लीमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको उसका ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ऑब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है और कॉम्प्लीमेंट्स को अंडरलाइन करना है. तो चलिए पहला देखते हैं. शकील हैड अ पैरेट, हैड अ पैरेट. शकील के पास क्या है, पैरेट है. पैरेट यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है सर्कल, तो यहाँ पर हम सर्कल कर दिए पैरेट. द गार्डनर ब्रॉट फ्लावर्स, गार्डनर्स ने क्या लाया फ्लावर लाया. फ्लावर यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है तो फ्लावर्स को हम सर्कल कर देंगे. माई बेस्ट फ्रेंड इज अनिल, इस देखिए हमने ऊपर पढ़ा था इज एम आर वॉज के बाद जो वर्ड्स आते हैं वो क्या है कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इनके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज इनकम्प्लीट होता है सेंटेंस, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज अनिल. अनिल यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है तो यहाँ पे इसको हम इसको अंडरलाइन करेंगे. अशोका वॉज अ काइंड किंग. अब देखिए यहाँ पे अशोका वॉज अ काइंड किंग, अशोका के बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, आइडेंटिटी बताई जा रही है कि वो एक अच्छे किंग हैं और वॉज के बाद आ रहा है तो यहाँ पे किंग क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा. वॉज अ काइंड किंग, ही लुक्ड एट द रेनबो फ्रॉम हिज बालकनी. ही लुक्ड एट किसको देखी, रेनबो को देखा. तो यहाँ पे रेनबो क्या है ऑब्जेक्ट है. शांति विल नॉट सॉल्व दिस सम, यहाँ पे क्या बात हो रही है शांति की और क्या चीज वो नहीं करने वाली है, सम सॉल्व नहीं करने वाली है, वर्ब के बाद है और ये सेंटेंस में क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा दिस सम, तो दिस सम को हम क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे. द पुलिस मैन टुक द थीफ टू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस मैन टुक किसको लेके गया थीफ को, तो थीफ यहाँ पे क्या है टुक के बाद भी आ रहा है वर्ब के बाद तो ये ऑब्जेक्ट होगा. माई मदर गिव मी अ फ्यू बिस्किट्स एंड अ टॉफी, मदर ने क्या दिया है बिस्किट्स एंड टॉफी, वर्ब के बाद है तो बिस्किट्स एंड टॉफी यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा. अब 9 नंबर में आते हैं. अवर स्कूल हैज 15 क्लासरूम, यहाँ पे स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि जो हमारी स्कूल है उसमें 15 क्या है क्लासरूम है. 15 यहाँ पे एडजेक्टिव है और क्लासरूम यहाँ पे क्लासरूम की बात हो रही है, 15 क्लासरूम है तो क्लासरूम यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा, इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे और सेंटेंस इसके बिना इनकम्प्लीट है. अवर स्कूल हैज 15 क्लासरूम्स होगा. ही बिकेम द मिनिस्टर, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो क्या बन गया है मिनिस्टर बन गया है. ही बिकेम द मिनिस्टर, बिकेम के बाद आ रहा है तो द मिनिस्टर क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है. अनीता हैज ब्रोकन द ग्लास, अनीता ने क्या किया है ग्लास को ब्रोक कर दिया है, वर्ब ब्रोकन है और ग्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा. द नॉटी बॉय किक द डॉग, जो नॉटी बॉय उसने क्या किया है डॉग को किक किया है तो डॉग यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा. शी वॉज फॉन्ड एंड अ लविंग मदर, यहाँ पे किसी की क्वालिटी बताई जा रही है तो यहाँ पे मदर के लिए वो बात हो रही है तो मदर यहाँ पे क्या होगी कॉम्प्लीमेंट होगी. ही पेंटेड द हाउस पिंक, अभी उसने क्या किया घर को पिंक कलर से पेंट किया है तो हाउस यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. द चाइल्ड अपीयर्ड सैड, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो सैड है, सैड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया है, अपीयर के बाद आएगा तो ये क्या होगा सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होगा. बाकी नेक्स्ट ये देखेंगे. थैंक यू.